उदासियों और गम के साये में हम वो नहीं हैं जो रह जाएंगे। कश्ती बेशक भंवर में हो पर कुछ कर जाएंगे। अंधेरों से कह दो औकात न आके हमारी, जलते बुझते चिरागों से हम वो योद्धा हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंग लड़ते नजर आएंगे। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। श्यामली में जन्मी और श्यामली की जय, मिट्टी में पली बड़ी अमिता सिंह ने अभी हाल फिलहाल में जो है निवासी हैं करनाल, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने लिप्पन आर्ट, एक विशेष आर्ट होती है गुजरात की जो लिप्पन आर्ट उसको बोलते हैं, उसमें महारत हासिल किया है। और ना केवल महारत हासिल किया है, वर्ल्ड बुक और रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराने का काम किया है। अमिता सिंह जो है अभी हाल फिलहाल में जो है जुड़ चुकी है जीडी न्यूज के साथ में, इनसे बातचीत की जाएगी और चर्चा इस बात की जाएगी लिप्पन आर्ट आखिर है क्या। और शामली जनपद के गांव रसीदगढ़ से हमें जो ओमपाल सिंह के यहाँ जन्मी अमिता सिंह जो हाल फिलहाल में जो है करनाल में जो रह रही हैं, निवास कर रही हैं और पेशे से आप टीचिंग हैं, इस तरह का क्या कारण माँ बाप के संस्कारों से उन्हें मिला है, जिस तरह के संस्कार उन्होंने पाए हैं उस संस्कार को जो है आर्ट में कला में उन्होंने लाने का कार्य किया। और हाल फिलहाल में जो है वो यूट्यूब के माध्यम से जो देश विदेश के बच्चों को भी लिप्पन आर्ट से रूबरू करा रहे हैं, ना केवल रूबरू करा रहे हैं लिप्पन आर्ट बच्चों को सिखा भी रही है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे अमिता सिंह जी से जो है जुड़ चुकी है जो जीडी न्यूज के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको नमस्कार, आपका स्वागत है अमिता सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार सर जी। विशेष उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये शुरुआत आपने कब से की थी और इस शुरुआत में आपने महारत हासिल की है, इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करें। सर वैसे तो मुझे बचपन से ही आर्ट बहुत पसंद रही है, मैंने अपने पापा को आर्ट से जुड़े हुए हमेशा देखा है, उन्हें बहुत पसंद थी आर्ट करनी, तो उनसे ही बचपन में थोड़ा मैंने सीखा है और अपनी मम्मी से भी, क्योंकि मम्मी को मैंने देखा है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी घर में कि बहुत कुछ गाँव में नहीं होता था, बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन मैंने उनको कभी किसी भी चीज के लिए हार मानते हुए नहीं देखा। और धीरे धीरे इसी तरह से बस इस आर्ट को लेकर आगे बढ़ती रही और जो भी मुझे लाइफ में मिलती रही चीजें उनसे मैं धीरे धीरे सीखती रही। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता चला कि ये चीजें मैंने कब और कैसे सीख ली हैं, शायद ये भगवान का आशीर्वाद रहा है और मेरे बड़ों का प्यार और आशीर्वाद जिससे ये सब कुछ मैं कर पाई और सीख पाई। जी, श्यामली की मिट्टी में आपने क्या कार्य लगाए, श्यामली की मिट्टी में आपका बचपन गुजरा है, गांव रसीदगढ़ में आपने रहा है, लिप्पन आर्ट वहां पे नहीं होती, गुजरात की एक विशेष कला इसको मानी जाती है, आपने जो लिप्पन आर्ट को सीखने का जो कार्य किया है वो कैसे आपने शुरुआत की थी? ये वैसे तो मुझे पिछले 5 साल से इस आर्ट में, खासकर लिप्पन आर्ट को सीखते हुए हो गए हैं, करते हुए हो गए हैं। अब से 3 साल पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो तब सब घर पे थे, तो मैं ऐसे ही अपने कुछ भी काम धीरे धीरे घर पे करती रहती थी आर्ट से रिलेटेड। तो मेरे बच्चे हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि मम्मा आप कुछ कर सकते हो इससे रिलेटेड और आप अपना चैनल बनाओ और अभी टाइम भी है आपके पास, अब हम भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उस तरह से भी मैं वहां से भी थोड़ा फ्री हो गई हूँ, बच्चे समझदार हो गए हैं तो मैं इन सब चीजों को सीख सकती हूँ। तो तब मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे स्टार्ट किया लॉकडाउन में, और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी वीडियो जैसे जैसे डालती गई तो वहां से भी मुझे देश विदेश से बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगा। तो उन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और बस इसी तरह से फिर मन में लगन थी कि जो ये आर्ट है हमारे गुजरात की कच्छ एरिया की, इसको प्रमोट किया जाए कोई भी आर्ट, क्योंकि जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लुप्त भी हो गई है, बहुत सारी आर्ट ऐसी हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। तो धीरे धीरे फिर मन में वही विचार आए कि जैसे बहुत टाइम पहले मुझे भी इस आर्ट के बारे में नहीं पता था, तो मैंने सोचा जो हमारे बच्चे हैं आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उसे भी पता होना चाहिए। जैसे मैं लिप्पन आर्ट से रिलेटेड भी वीडियोज डालती हूँ अपने चैनल पर, मधुबनी आर्ट, मोजाइक आर्ट, इन सब चीजों को मैं डालती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इन सब चीजों को सीखते हैं। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमने ये आर्ट अपने स्कूल में की है और हमें इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है, तो यही सब चीजें मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं बहुत ज्यादा। अमिता जी, बात की जाए आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आप बताने का काम करें, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ तक, कहाँ से शुरू हुई है और आपके लिए जो उच्चतर शिक्षा रही है वो कहाँ तक आपने शिक्षा पाई है?
सर मैंने जो अपना हाई स्कूल है वो मैंने थाना भवन से लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने शामली से वीबी कॉलेज से की है। और उसके बाद मुझे मौका मिला क्योंकि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर सीखूं, तो मैंने फिर वो रामरति गुप्ता वुमेन्स पॉलिटेक्निक रामपुर मनिहारन से 2 साल का मैंने कोर्स किया है। मैं सही बताऊं तो मैंने आर्ट से रिलेटेड अपनी लाइफ में कोई कोर्स नहीं किया था अभी तक, लेकिन मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, मेरे काम के माध्यम से मुझे जॉब मिली है। और उसी चीज को फिर देखते हुए अब मैं फिर से एमएफए जो है मैंने करना स्टार्ट किया है। मेरा फर्स्ट ईयर है अभी एमएफए का, ताकि मैं आगे भी इस चीज को सीख सकूं और बच्चों को भी सिखा सकूं। ये लिप्पन आर्ट होती क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। लिपन आर्ट हमारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो गुजरात में कच्छ एरिया से स्टार्ट हुई थी। इसका जो नाम है वो लिपन आर्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि पहले टाइम में क्या होता है, घर बहुत कच्चे घर होते थे गांव में, या कहीं भी कच्चे घर बनाए जाते थे, तो उनको सुंदर बनाने के लिए जो कच्छ एरिया है वहां की जो औरतें थी उन पे लीपने का काम करते थे, जैसे मिट्टी से। और पहले टाइम में तो गोबर मिट्टी वो उनको ठंडा भी रखते थे घरों को, लेकिन वो फिर अच्छे नहीं लगते थे कई बार, तो उनके ऊपर वो क्या करते थे, मिट्टी से क्ले बनाते थे और उसमें फिर जो हम मिरर होते हैं हमारे, इन्हें लगाकर वो घरों को अपने डेकोरेट करते थे। तो वहीं से ये आर्ट है जो स्टार्ट हुई। बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जब इस आर्ट को कोई नहीं जानता था, बीच में थोड़ा टाइम होता है, लेकिन अब दोबारा जब से ये जैसे यूट्यूब स्टार्ट हो गया, मीडिया के थ्रू ये आर्ट दोबारा से स्टार्ट हो गई है और दोबारा लोग इसको पसंद करने लगे हैं। अब इसे बहुत और भी तरह से बनाया जाने लगा है क्योंकि घरों पे अब जी क्योंकि घरों पे अब बनाना, अमित, क्योंकि हमारे घर अब पक्के होते हैं तो उनपे बनाना इतना अब आसान नहीं है। तो जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मैंने जो वॉल के ऊपर आप आर्ट देख रहे हैं छोटे छोटे से पीसेस में, या ऐसे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में। अमित जी बात की जाए ये आर्ट जाए कहने के इस बात से भी वास्ता रखती है। हमारे यहाँ जब कच्चे मकान होते थे तो महिलाएं जो है लिपन करने के बाद, या जो हमारी मिट्टी कच्ची मिट्टी होती थी उसे गोबर में मिला के जो है उसको लीपती थी, और लीपने के बाद में जो सुंदर सुंदर आकृति भी बनाई जाती थी, उसमें गेरू जैसे रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। तो क्या ये लिपन आर्ट उसी संस्कृति से, या हमारी जो ग्रामीण जो अंचल की जो परंपराएं रही है, ग्रामीण अंचल की जो संस्कृति या कला आकृति रही है, क्या उससे ये का वास्ता है? बिल्कुल सर, ये उसी से रिलेटेड है। बस ये है कि घर जब पहले लीपे जाते थे वो ठंडे भी रहते थे उस प्रोसेस को करने से, और दूसरा उनको सुंदर बनाने के लिए ये चीज की जाती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पुरानी परंपराओं की ओर वापसी लौट रहे हैं, आज का युग जो है, जो हमारी जो है नई बिल्कुल जनरेशन सर, है वो पुरानी परंपराओं को जो है ले लौट रही है, उसमें आप लोग जो है एक माध्यम बने हैं, एक कड़ी बनने का काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो आपको जो है एक रिकॉर्ड आपने बनाया है, एक 4 फीट 9 इंच का जो आपने मोर को सजाने का काम जो 3 घंटे में किया है, वो तो किस तरह की प्रतियोगिता थी, और आपको जो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड बुक में जो आपका नाम दर्ज हुआ है, तो ये किस तरह की एक प्रतियोगिता आप से एक साथ आप जुड़ा हो रहा है जिसमें आपको जो सम्मानित होने का कार्य हुआ है? सर इसमें मुझे जैसे मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरे सामने आती है कि इस तरह से हम किसी भी रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया है। तो मैंने वही ये चीजें देखी थी कि इस तरह से मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने फोन पे बात की उसको, उनका नंबर वगैरह मैंने लिया, फोन पे उनसे बात की। तो फोन पे बात करने के बाद मुझे पता चला कि हमें कुछ ऐसा बनाना होता है कि जो पहले किसी ने ना बनाया हो उतने टाइम लिमिट में, और कुछ अलग हो जो भी हम चीज बना रहे हैं, और टाइम लिमिट उससे पहले इतने में किसी ने कंप्लीट ना किया हो। उसके लिए उन्हें या तो वो आके चेक करते हैं ये चीजें, या फिर उनके लिए ये होता है कि आपके पास पूरी, अगर आपने 3 घंटे वो काम किया है वो पूरी वीडियो आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें उनको विदाउट कट, कोई भी कट नहीं कर सकते हम उसमें, उनको सेंड करनी होती है पूरी वीडियो। उसके बाद वो वर्ल्ड लेवल पे उसे सर्च करते हैं कि कहीं ये रिकॉर्ड पहले बना हुआ है या नहीं बना है, उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगा है क्योंकि ये मैंने जनवरी में बनाया था, 17 जनवरी को, और आज देख के अभी 1 महीना पहले ही ये मुझे जो है रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट होके मुझे मेरे पास आया है। तो यही पूरा प्रोसेस रहा है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी इसमें, जो उनके वीडियो चेक करने का तरीका या फिर मुझसे बात करना। और दूसरा, जहां मैंने बनाया था ये,
वहां पे भी उन्हें दो तीन लोगों से बात करनी थी कि क्या मैंने ही इसको कंप्लीट किया है, कैसे किया है, वो सारी जानकारी भी उन्होंने मुझसे ली। अमिता जी, आप एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से आपने लिप्पन आर्ट का जिक्र किया है, एक जब हम देखते हैं जो हमारे पुराने बहुत पुराने मकान रहते हैं, जो सैकड़ों साल पुराने मकान होते हैं उनको, या मंदिर की अगर हम बात करें, मंदिरों में जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे, अगर आपको जानकारी है भित्ति चित्र में और लिप्पन आर्ट में किस तरह का और क्या फर्क है? भित्ति चित्र में सर, जैसे अभी कई बार क्या होता है, भित्ति चित्र में जब सिर्फ हम जो रंग होते थे ना उनका प्रयोग करते थे, उसमें क्ले का यूज नहीं होता था, जैसे मिट्टी से बनाई हुई क्ले, उसमें सिर्फ जैसे गेरू हो गया, खड़िया और भी जैसे फूलों से बने हुए रंग होते थे जो पहले टाइम में फूलों से बनते थे या पत्तों से बनाए जाते थे, भित्ति चित्र में वो सारी चीजें यूज की जाती थी। लिपन आर्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल एक वो जैसे मैंने बताया आपको, ये गुजरात से रिलेटेड थी आर्ट, तो वो घरों पे पहले वहां ही मिट्टी और उस चीजों से तैयार किए जाते थे घर, तो ये वहीं पे ही आर्ट की जाती थी। भित्ति चित्र थोड़े और टाइम पहले वाली चीजें हो गई है हमारे, मतलब बिल्कुल इतिहास से रिलेटेड है वो चीजें, ये थोड़ा सा उसके बाद वाला टाइम है जब ये लिपन आर्ट वगैरह घरों के ऊपर की जाती। अमिता जी, संभावनाएं क्या है युवाओं के लिए इसमें, लिप्पन आर्ट की अगर हम बात करें, लिप्पन आर्ट में जो एक संस्कृति का हिस्सा है और ये ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई कलाकृतियों का हिस्सा है, इसमें संभावनाएं क्या है, किस तरह की संभावनाएं ये तलाशी जा सकती है इसमें? सर, जैसे अभी मैं एक दिखाई हूँ, मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ, मुझे घर भी देखना है और सारी चीजें भी, लेकिन अगर जो हमारी अब वाली जनरेशन है वो इस काम को अगर फुल टाइम जैसे होता है ना प्रोफेशन की तरह लेके चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग ऐसे लोग देखती हूँ जो आउट ऑफ इंडिया से भी इस आर्ट के माध्यम से जुड़े हैं, जिनका जो सामान है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, वो बना के वहां पर भेजते हैं और अच्छा खासा इससे अर्न करते हैं, क्योंकि उनके पास टीम होती है अपना काम के लिए कराने के लिए और कॉन्टेक्ट होते हैं उनके। तो अगर जो हमारी आज की जनरेशन है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो आज की जनरेशन है वो हमारे से मच बेटर बहुत सारी नॉलेज भी रखती है और उन्हें बहुत ज्यादा हमसे जानकारी भी है, तो वो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, शायद जितना तो शायद मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि उनके रास्ते खुले हुए हैं और आज उनका हमारी जो जनरेशन है उनके लिए बहुत कुछ है करने के लिए। यहाँ पे एक बात और भी निकल के आ रही है, अंतिम दौर में हम जा रहे हैं इस इंटरव्यू को लेकर, अगर हम बात करें गए, अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, लिप्पन आर्ट को जो सीखने के लिए आपने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है उसका नाम क्या है और आप सिखाने के लिए, लिप्पन आर्ट को सिखाने के लिए चूंकि आप शिक्षक भी हैं, उसको तरीका क्या है कि बच्चा जिसको सीख सके इस आर्ट से, इस कला से जो हमारी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई कला है, लिपने वाली कला है, इससे जुड़ कैसे सकता है, सीख कैसे सकता है? मेरे चैनल का नाम राघवेंद्र आर्ट गैलरी है, जिसपे मैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट डे आपको इस आर्ट को सीखने के लिए क्या करना है, जैसे बहुत सारे स्टेप हैं इसमें कि कई बार हमें बोर्ड रेडी करने पड़ते हैं, उसके लिए क्ले रेडी करनी होती है, कोल रेडी करना होता है, आपको कौन से क्ले लेनी है, कौन से कलर लेने हैं, आपको सारी वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगी। जितने भी अगर कोई बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी सीखना चाहते हैं, एक एक चीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उससे रिलेटेड, मतलब ये नहीं है कि जो चीजें मैंने सीखी है मैंने वहां पर वो शेयर नहीं किया है, जैसे मैंने सीखा है इस काम को ऐसे ही आपको सारी चीजें वहां भी मिलेंगी। तो बहुत आसान है इसे सीखना, ऐसा नहीं है कि आप देख के सीख नहीं सकते, मैंने खुद भी ऐसे ही सीखा है, तो बिल्कुल अगर इस चीज को कोई भी करना चाहता है, सीखना चाहता है, बहुत आसान है सीखना, बस थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत तो हर एक चीज मांगती है। क्या इस तरह के आर्ट के लिए समय समय प्रदर्शनी वगैरह लगती है? जी सर, इसके लिए काफी सारी, जैसे अभी भी हमें क्या होता है, जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ हमें फोटोज वगैरह भेजनी होती है, जहाँ सेलेक्ट हो जाए तो फिर वहाँ पे और भी आगे उनको बढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है सर। चलिए, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपने लिप्पन आर्ट के संबंध में जानकारी दी है और जो आपने आपको जो है वर्ल्ड बुक में जो आपका नाम दर्ज हुआ है, इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, और आगे भी आपसे जो है संपर्क समय समय पर जय जीडी न्यूज का रहेगा। समय देने के लिए आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।